अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शनावला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज हम मॉड्यूल नंबर 17 डिस्कस करेंगे। 16 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एमटीएच 632। पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक्स देखी हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। आज उसका हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसके भी 2-3 पार्ट होंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के भी, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये चीज़ है कि व्हाट इज़ अ फंक्शन, कि फंक्शन होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो करंट है, करंट किससे रिलेट कर रहा है जी, वोल्टेज के साथ। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर भी टाइम के साथ इंक्रीज़ होता है। जैसे कि दिन का टेम्परेचर सुबह के वक्त और होता है, टाइम गुजरता जाता है, 10 o'clock और हो जाता है, 12 o'clock और हो जाता है, ठीक है, शाम को और हो जाता है। तो मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ऐसे ही टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहेगी। और इसको हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर फंक्शन टी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसको डिफाइन करते हैं, अ टेम्परेचर फंक्शंस टी प्रोवाइड अस टेम्परेचर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ अ डे। यानी कि टेम्परेचर फंक्शन जो है वो हमें दिन में डिफरेंट टाइम पे हमें टेम्परेचर मेजर करके देता है। इन दिस केस वी हैव ए, यानी कि दिन हमारा 0 से लेके, यानी कि रात जब 12 होते हैं वहाँ से लेके 24 घंटे गुजरने तक, ठीक है, ये हमारे पास डेज हैं, सॉरी आवर्स हैं एक दिन में। और ये टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमारा -20 से लेके 50 तक। तो टेम्परेचर एक ऐसा फंक्शन है जो हमें इस टाइम के साथ साथ इस टेम्परेचर की क्या देता है, मेजरमेंट हमें देता है, हमें उसके बारे में मालूमात देता है। एंड द रूल टेम्परेचर टी रिलेट्स द टाइम विद द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट इज़ अ फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। मज़ीद इसकी एक डेफिनेशन है कि फंक्शन एक किस्म की मशीन होती है। मशीन कौन सी, जिसमें अगर हम इनपुट डालते हैं तो वो हमें एक यूनिक सी एक दूसरा एलिमेंट हमें आउटपुट के तौर पे मुहैया करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक फंक्शन हो एक्स स्क्वायर का, तो अगर हम उसमें 1 इनपुट डालते हैं तो वो 1 ही हमें देगा। इसी तरह अगर हम उसमें 2 पुट करते हैं तो वो हमें आउटपुट के तौर पे क्या दे देगा, 4 दे देगा। तो फंक्शन एक किस्म की क्या होती है, मशीन होती है, जिसमें हम इनपुट डालते हैं और वो हमें आउटपुट मुहैया करती है। अब नेक्स्ट है कि डेफिनेशन इसकी, व्हाट इज़ अ फंक्शन। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज़ अ रूल, यानी कि फंक्शन एक किस्म का रूल होता है, एक सेट ए से सेट बी की तरफ क्या करता है, जो दैट असाइंस ईच वैल्यू ऑफ ए विद अ यूनिक वैल्यू ऑफ बी, जो जो सेट ए की हर एक वैल्यू को असाइन करता है बी की एक यूनिक वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी। वाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, वाई वी नीड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें जो कि हमारे पास पेंडुलम की है, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ से क्या हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी के साथ बंधा हुआ एक छोटा सा मास होता है जिसका एक सरा जो है वो फिक्स पॉइंट पे होता है, ठीक है, और दूसरे को हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाके छोड़ते हैं। तो वो अपनी मेन, इसकी ये जो पोजीशन है ये क्या है, मेन पोजीशन के अराउंड बैक फोर जो है वो मूव करता रहता है। अगर आप देखें तो इसकी जो मूवमेंट है, जब आप फर्स्ट टाइम छोड़ेंगे तो ये पहले यहाँ तक आएगा, उसके बाद इधर से यहाँ तक, तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा ये क्या हो जाएगा, मतलब इसकी जो हमारे पास लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें
वाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन के हमें इसकी दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कि कम्प्लेक्शन हमें क्यों ज़रूरी है, कम्प्लेक्स फंक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जो आपके पास स्लाब या फ्लड इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस करने के लिए हमें कम्प्लेक्स फंक्शन की ज़रूरत होती है। एक और एग्ज़ाम्पल है सर्किट की कि जो आपके पास अगर PC है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके अंदर सर्किट तो होगा, तो उसको डिस्कस करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिसाइजली इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जी इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच वैल्यू जी इन द सेट डी वन एंड ओनली वन कॉम्प्लेक्स वैल्यू डब्ल्यू। यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एक किस्म का रूल है, जो हमारे पास वैल्यू जी हर ये जो डी है इसको हम डोमेन कहेंगे, यानी कि डोमेन से वैल्यू एक जो है वो किसके साथ रिलेट करता है उसकी एक इमेज बनाता है। यानी कि जो हमारे पास सेट ए, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, सेट ए की हर वैल्यू को किसके साथ रिलेट करता है, किसी यूनिक वैल्यू सेट बी के साथ। वी राइट W इज इक्वल टू एफ ऑफ Z एंड कॉल W इज द इमेज ऑफ Z अंडर F। यानी कि यहाँ पे जो W है ये क्या होगी, इमेज होगी, यानी कि आउटपुट होगी। हेयर द सेट D इज द डोमेन ऑफ F, डोमेन मतलब जो हम उसको इनपुट के तौर पे मुहैया करते हैं। एंड द सेट ऑफ ऑल इमेज, यानी कि अगर सारी इमेज को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया जाए तो वो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ ऑफ Z बनेगा, और Z कहाँ से आएगा, डोमेन D से। इज कॉल्ड द रेंज ऑफ F, इमेज को जो हमारे पास सेट ऑफ इमेज बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ F, यानी कि फंक्शन की वो रेंज है। सम टाइम इसको हम मैपिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल कम्प्लेक्स, सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन F फ्राम C टू C इज गिवन बाय द रूल W इज इक्वल टू F ऑफ Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये एक रूल है। ये हमारे पास इसकी क्या है, इनपुट यानी कि डोमेन है, और ये हमारे पास इसकी क्या है, रेंज है। ठीक है, तो कैसे, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ जी 1+iota, इस फंक्शन में मैं पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास आउटपुट के तौर पे जी स्क्वायर हमें देगा। तो जी स्क्वायर जब हम इसको ओपन करेंगे इसका स्क्वायर, तो 1+iota² + 2iota, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक 2iota, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको मिलेगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डोमेन जो हम इनपुट के तौर पे देते हैं, और एक होता है रूल, यानी कि हम उस पर कैसे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को ही ले लें, तो ये हमारे पास क्या है, रूल है, और ये हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन है। फॉर एग्जांपल अगर हम डोमेन चेंज कर देते हैं, डोमेन हम रख लेते हैं जी, उसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए जो हमारे जिनका मॉड जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1, तो फंक्शन तो हमारे पास वही रहेगा, उसका रूल तो वही रहेगा। ठीक है, यानी कि जी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इसकी रेंज क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी, डिफरेंट, यानी कि डोमेन अगर हम ओवरऑल करते हैं तो उसकी रेंज और होगी, अगर हम एक स्पेसिफिक डोमेन कर लेते हैं लेस देन 1, इसको हम कंडीशन दे देते हैं, तो फिर इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन रूल आप देख रहे हैं कि वैसे का वैसा जी स्क्वायर ही है हमारे पास। ठीक है, आज के मॉड्यूल में हमने क्या डिस्कस किया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।